हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आज का सवाल। ये जो आज का सवाल है, ये हमारे सीरीज़ का ही एक भाग है, जिसमें हम एक ऐसा सवाल उठाएंगे जो कोई भी एग्ज़ाम के जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारे टॉपिक का जो सबसे कठिन सवाल होता है, कि ऐसे सवाल जो हमको प्री क्लियर करने के बाद मेंस में आते हैं और मेंस में आने के बाद वो सवाल हमसे छूट जाते हैं। सवाल छूटने का कारण ये रहता है कि हमें सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। तो आज हम इसी तरीके से आज के सवाल में एक सवाल उठाए हैं। ये सवाल है पार्टनरशिप का, साझेदारी का, जिसमें कुछ संपत्तियों का बंटवारा होता है। तो जैसा कि आज का सवाल है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति इस प्रकार विभाजित करता है, मतलब एक व्यक्ति है जो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी को पूरी संपत्ति का आधा भाग, मतलब उसने अपनी पत्नी के लिए ये जो पूरी संपत्ति है, फ्यूचर पूरा सिक्योर करके रखा है, अपनी पत्नी के लिए पूरी संपत्ति का ये जो आधा भाग है ये अपनी पत्नी को दे दे रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है, जो शेष संपत्ति है, मतलब ये जो आधी संपत्ति बाकी है, आधी प्रॉपर्टी बाकी है, ये अपने पुत्र और पुत्रियों में बांट रहा है। तो पुत्र और पुत्रियों में किस तरह बांट रहा है, शेष संपत्ति का 2/3 भाग, मतलब 2/3 पोर्शन भाग अपने तीन पुत्रों में बराबर बांट रहा है। मतलब उसके पास अब ये जो हिस्सा बचा है, इसको उसने पहले तो तीन पुत्र हैं उसके, तो ये हो गया एक पुत्र, ये हो गया दूसरा पुत्र और ये हो गया तीसरा पुत्र। इन तीनों पुत्रों में 2 भाग, ठीक है, और अपने शेष जो भाग बचा है, अब ये जो यहाँ पे अब समझ लो कि इतना जो आधा भाग बचा था, ये टोटल उन्होंने 3 भाग बना के रखा है। इसका मतलब ये हो कि पत्नी को 3 भाग दिया है और ये 3 भाग अपने पुत्र और पुत्रियों में बांटा है। तो इन 3 भागों में से जो 2 भाग है अपने 3 पुत्रों को बराबर बराबर दे रहा है, मतलब इनको भी बराबर, इनको भी बराबर, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है। उसके बाद जो शेष भाग बचा है वो अपनी 4 पुत्रियों में बराबर बांट रहा है, मतलब अब इसकी 4 पुत्रियां हो रहे हैं। तो ये 1, 2, 3 और 4 पुत्रियां, इनको भी वो बराबर बराबर दे रहा है। लेकिन ये इनको जो बराबर दे रहा है, तो अब 3 भाग में से 2 भाग तो अपने 3 पुत्रों को बांट रहा है, अब बचा कितना भाग है, एक ही भाग बचा अपने पास। अब यहाँ पे अपने को ये जो 1 भाग है इन 4 पुत्रों में बांटना है, ये जो 2 भाग है इन 3 पुत्र में, और जो 1 भाग है वो 4 पुत्रियों में बांटना है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम ये देखते हैं कि अगर हम 1 भाग को इन 4 में बांटेंगे तो 0.25 आएगा। तो हम 0.25 को सॉल्व क्यों करें, हम इसको लेते हैं एक पूरे होल नंबर में, एक पूरी संख्या में लेते हैं। अगर मान लो मैं इनको 1, 1, 1, 1 दे दिया, एक एक यूनिट दे दिया, तो मतलब यहाँ कितनी यूनिट हो गई, 4 यूनिट हो गई। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो यूनिट थी ये 4 थी, ठीक है। अब अगर ये 4 होगी तो ये तो उनकी डबल थी, तो ये हो गई 8। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि अपने को सवाल को पॉइंट में हल नहीं करना था, इसलिए अपन ने इसको मान लिए 1, 1, और अपनी पूरी पुत्रियों को कितना मिल रहा है, 4 भाग। अब ये 4 भाग ये है, मतलब ये 4 भाग तो 1 यूनिट का था, तो 2 भाग अपना 8 यूनिट का हो गया। अब 8 को इन तीनों में बराबर बांटना है। अब जब 8 को इन तीनों में बराबर बांटना है तो 8 3 में बराबर बटेगा क्या, नहीं बटेगा। तो अब अपन क्या करते हैं, इस 8 को ये मान लेते कि इसको भी 8 दे दिए थे, इसको भी 8 दे दिए थे और इसको भी 8 ही दे दिए थे। यहाँ तक क्लियर है? तीनों को 8-8 दे दिए थे अपन ने। अब जब तीनों को 8-8 दे दिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। अब ये 12 इन चारों को जब बांटना है तो इन चारों को कितना कितना जाएगा, 3-3 जाना चाहिए। जब 12 इन चारों को बराबर बराबर बटेगा तो हर एक को 3-3 रुपये मिलेंगे ना, मतलब समझ लो 3-3 यूनिट मिलेगी। ये 24 है, इन तीनों को बराबर मिल रहा है तो 24 तीनों को कितना कितना मिलेगा, 8-8 मिलेगा। अब सवाल अपन ने उनको बता दिया कि हमको एक एक पुत्र को उनने 8-8 यूनिट दे दिया है और एक एक पुत्री को 3-3 यूनिट दे दिया है। अब आगे सवाल में चलते हैं। अब सवाल में क्या बोला है, यदि हर एक पुत्री को 20,000 रुपये मिलता है, यदि हर एक पुत्री को 20,000 रुपये मिलता है तो हर एक पुत्र को कितने रुपए मिलेंगे। अब अपने को पता है हर एक पुत्री को यूनिट में कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और रुपए में कितना मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। मतलब 20,000 रुपये कितने यूनिट के बराबर हो रहा है, 3 यूनिट के बराबर। तो हमने ये लिखे 20,000 रुपये कितने यूनिट के बराबर है, 3 यूनिट के, क्योंकि हर एक लड़की को कितना मिल रहा है, 3-3 मिल रहा है, तो हर एक लड़की को 3-3 मिल रहा है। और पूछा किसके बारे में उनने, हर एक पुत्र को कितना मिल रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं हर एक पुत्र को कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो इनटू 8 कर दिए। अब जब हम इसका
कैलकुलेट करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड नहीं करना, आप पहले इसको इंटू करो। इंटू कैसे करोगे, 8 को इंटू सिर्फ आप 2 से करो तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 दूनी 16 मिल जाएगा। तो ये 16 के बाद आप 4 जीरो लगा दो, ठीक है, क्योंकि 8 दूनी 16, यहाँ 4 जीरो बाकी थे तो हमने 8 के बाद 4 जीरो, और आप 3 से भाग दे दीजिए तो ये 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 का टेबल तो सभी को आता है, तो 3 ना 5 15, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 53,333, और पॉइंट के बाद भी 33 इसका चलते रहेगा। तो हमको तो पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही डिजिट लेना है, तो हम ये दो तीन को अगर लास्ट के डबल थ्री को अगर हम हटा भी देते हैं तो अभी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका अब हम देखते हैं ऑप्शन में ये आंसर है या नहीं है, तो ऑप्शन में देखते हैं तीसरे नंबर का ये ऑप्शन है और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही। अब आप देखेंगे क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा था, और ये जो क्वेश्चन था ये कोई भी एग्जाम के मेंस लेवल का क्वेश्चन था, चाहे आप CGL ले लो, चाहे तो आप IBPS PO ले लो या फिर SBI PO ले लो, इन सभी एग्जाम में जो PO के जो मेंस लेवल के जो एग्जाम आते हैं या फिर CGL के जो मेंस लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें आपको इसी तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, जो दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अगर हमको उनका कॉन्सेप्ट पता है तो हम उसको बिना किसी बड़े कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन किए हैं, सिर्फ हमने 20,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8 किए हैं, लेकिन सबसे मेन काम था ये 8 और 3 आया कहाँ से। तो वो 8 और 3 जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक वो आपको 8 और 3 निकालना नहीं बनेगा। ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप हमारी जो मैथ्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है वो मैथ्स की सीरीज को कंटिन्यू देखिए, बेसिक से हमने स्टार्ट किए हुए हैं, वहाँ पे आपको इसी तरीके से एक छोटी सी स्टोरी फॉर्म करके हम आपको सॉल्यूशन दिखाएंगे। हर क्वेश्चन की हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरीके से एक कहानी बनाएं और उस कहानी को आपको कॉन्सेप्ट में समझाएं और आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओ। ये मेथड आपको कैसी लगी, सॉल्यूशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन होते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, हम उसे बहुत अच्छी कहानी में फ्रेम करके उसके कॉन्सेप्ट आपको कहानी के रूप में पेश करेंगे और उसके सॉल्यूशन हम आपको बहुत ईजी टेक्निक में सिखाएंगे। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी व्यूज़ हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अगले आज के सवाल के साथ। गुड लक।